भाई कल से ना रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना स्टार है, संदीप रेड्डी वंगा डायरेक्टर, पैन इंडिया फिल्म एनिमल मूवी की टीजर रिलीज डेट को लेकर के एकदम से माहौल जमी हुई है मेरे भाई। मतलब 16 जून को हमें एनिमल मूवी की टीजर जो है वो देखने को मिल जाएगा फाइनली बोल करके एक रिलीज डेट जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ओके, ऑफिशियल नहीं है लेकिन बहुत सारे मतलब जो उम्मीदवार वेबसाइट वगैरह जो है, फिल्मी वेबसाइट वगैरह जो है, वहीं से देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। तो काफी हद तक सच लग रहा है कि 16 जून को मतलब आदि पुरुष मूवी रिलीज होने के साथ हमें एनिमल मूवी का टीजर जो है वो देखने को मिल जाएगा। भाई सच बताऊं तो एनिमल मूवी की टीजर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं, क्योंकि फिल्म की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं आया है भाई। बस लीक्ड वीडियो वगैरह आया है, लीक्ड डायलॉग वगैरह आया है और एक पोस्टर आया है जो कि एकदम से फाड़ू और धमाकेदार वाला है। और रणबीर कपूर जी को देख करके लिटरली घुसबम मिल रहा है। और जिस तरह का अभी अभी जो ये पोस्टर मतलब वायरल हुआ था, पहले भी हुआ था, मैं जिसके बारे में आपको बताया था कि एनिमल मूवी में आने रणबीर कपूर को दो 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 तीन से मैं देखने को मिलेगा, जो कि एक सिंपल सा एक नॉर्मल इंसान, गवर्नमेंट जॉब करने वाला एक इंसान के रूप में देखने को मिलेगा और बाद में उनको स्टार के रूप में देखने को मिलेगा। फाइनली ये एक रिवेंज स्टोरी होगा, ऐसा बोल करके मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका था, है ना। तो जो कि रणबीर कपूर को एक चैलेंजिंग किरदार यहां पे दिया गया है, जो कि एनिमल जैसी फिल्म करने के लिए वो एक एक्सक्लूसिव वीडियो में जाहिर भी कर रहे थे कि वो ये फिल्म करने के लिए डर रहे थे कि ऐसे मतलब क्रूर अवतार में वो नजर आ पाएंगे, निभा पाएंगे या फिर नहीं बोल करके, है ना। तो लिटरली भाई ये फिल्म बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो इसका एक झलक देखने के लिए तो बेसब्री से इंतजार तो ना जाने कब से है। तो वाकई में अगर 16 जून को इसका टीजर आ जाता है तो बहुत बड़ी दावत होगी हम फैन लोगों के लिए, जो कि बहुत जबरदस्त होगा। और एनिमल मूवी के ऊपर भरोसा तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा है उस लेवल के डायरेक्टर जो कि एक अलग ढंग का, एक अलग कुछ दिखाने का कोशिश जरूर करते हैं। अगर इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो बहुत दिनों से पहले ही इसका स्टोरी जो है रिवील हो चुकी है, जो कि ये एक रिवन स्टोरी होगा, फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी होगा और गैंगस्टर वाली फिल्म होगा। जैसे कि मतलब अनिल कपूर जी अनिल रणबीर कपूर के पिता के किरदार में नजर आएंगे और बॉबी देओल मैन विलन के किरदार में है, शक्ति कपूर भी इसमें है जो कि विलन के किरदार में है। और रणबीर कपूर जो है मतलब अपने पिता अनिल कपूर एक गैंगस्टर है तो उनको पसंद नहीं करेंगे, वो एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला सादा सीधा इंसान होंगे, लेकिन बाद में हालात कुछ ऐसा होगा जो कि खुद भी वो गैंगस्टर हो जाएंगे और वो जो क्रूर अवतार है वो देखने को मिलेगा। तो फाइनली वो गैंगस्टर बन करके फिर ये बॉबी देओल, ये शक्ति कपूर मतलब जो विलन के किरदार में है, उन लोगों के साथ लड़ाई करेंगे, धुआंधार एक्शन होगा, कुछ ऐसा स्टोरी है। तो स्टोरी तो सिंपल सा लग रहा है कि एक रिवेंज स्टोरी का लग रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त होगा इस फिल्म का, एकदम से वाइब्स मिल रही है मेरे दोस्त। तो ये फिल्म के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि 11 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। और फाइनली हमें अगर टीजर देखने को मिल जाता है 16 जून को आदि पुरुष मूवी के साथ, या फिर यूट्यूब में ही छोड़ दे, थिएटर में रिलीज ना करें, जो भी हो, लेकिन 16 जून को अगर इसका टीजर आ जाता है तो बहुत बड़ी दावत होगा, जो कि इस फिल्म के लिए हम नजर टिकाए बैठे हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, रणबीर कपूर जलवा देखने के लिए। इसका एक डायलॉग आया था बहुत जबरदस्त लगा था, वहां पे बाप बेटे का इमोशन बहुत तगड़ा है इस फिल्म में, जो कि बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त। अगर 16 जून को आ रही है तो जाहिर सी बात है हमें थिएटर में ही देखने को मिल जाएगा, जब हम आदि पुरुष मूवी देखने जाएंगे तो उसी टाइम पे हमें एनिमल का भी टीजर देखने को मिल जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, उम्मीद तो है कि आ ही जाएगा, उम्मीद तो है आ ही जाएगा बोल करके, पर ऑफिशियल खुलासा जब होगा तब पता चल जाएगा। देखते हैं, अब तो 9 दिन बाकी है, अपडेट आ जाती है तो फिर से मैं आपको इतला कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताना कि एनिमल मूवी के लिए आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं।